राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा जनपद के भाजपाइयों एवं समाज के लोगों ने मनाया जीत का जश्न। इटावा जनपद में भाजपाइयों एवं समाज के लोगों द्वारा शहर के बीचों बीच रोड पर दीप जलाकर एवं पटाखे जलाते हुए हाथों में तिरंगा लहराकर भारत माता की जयकारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देते हुए नजर आए जिस प्रकार भारत के वीर सपूतों की आतंकवादियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पुलवामा में हत्या कर दी गई थी, उसका बदला भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के साथ लिया है। बदले की खुशी में इटावा के लोगों में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई भी दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि भारत की सेना ने जिस प्रकार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, अभी पुलवामा में हुए भारत के जवान की शहादत का बदला और भी लेना बाकी है। जवान शहीदों के परिवार के लोगों का एक एक आंसू का बदला लेना भी बाकी है। जितनी भी हमारी वीर वधुएं हैं, जो हमारा पुलवामा का हमला हुआ उसमें जो शहीद सैनिक हुए हैं, उनका बदला आज हमारी भारतीय फौज ने लिया है। बहुत बहुत भारतीय फौज को मैं बधाई देता हूं और सारा जन समाज आज इसी की खुशी में दिवाली मना रहा है। एक एक आंसू का बदला लिया जाना अभी और बाकी है जी। आज भारतीय सेना ने दुर्दांत आतंकवादी देश पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से अपनी छोटी सी ताकत का इस्तेमाल किया और वहाँ का एक एक नागरिक जिस प्रकार से कांप गया, उसकी खुशी मनाते हुए हम लोगों ने आज मिठाई बांटी और पटाखे फोड़े और बल्कि दिवाली मनाई, क्योंकि भगवान राम ने जिस प्रकार से या हनुमान जी ने जिस प्रकार से लंका में जा करके उनको नष्ट करने का काम किया था, वही आज हमारी भारतीय सेना ने वहाँ पाकिस्तान में घुसकर उन लोगों को जो मारा, तो हम लोगों के लिए आज दिवाली से कम का दिन गर्व नहीं रहा, तो हम लोगों ने आज दिवाली मनाई जी। बहुत अच्छे। पेशा इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट।